भविष्यवाणी अर्थात भविष्य की घटना को वर्तमान में ही देख लेना। परंतु भविष्यवाणी पर एक तथ्य प्रचलित है कि ये संपूर्ण रूप से सत्य नहीं हो सकती। इस बात से हमारा मतलब यह है कि हम भविष्य को 100% सटीकता से नहीं देख सकते, हम केवल उसका एक व्यवहारिक अनुमान लगा सकते हैं। यह अनुमान समय और सभ्यता के गुणों के आधार पर लगाया जाता है, जिसके घटित होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है, और जब ये घटित होता है तो हम इसे कहते हैं कि भविष्यवाणी सच हुई। यह तो महाभारत के समय में श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं भविष्य नहीं देखता, मैं देखता हूँ लोगों के व्यवहार और उनके कर्मों को, क्योंकि वही उनका भविष्य तय करते हैं। और यह भी सत्य है कि भविष्य पहले से तय नहीं होता, वह हर पल हमारे निर्णयों के आधार पर परिवर्तित होता रहता है। परंतु हमारे आज के हालात हमारे भविष्य के निर्णयों को दर्शाते हैं। इस बात से स्पष्ट है कि भविष्यवाणी किसी व्यक्ति विशेष द्वारा लगाया गया अनुमान होता है, जो उसने अपने व संसार के अनुभवों को महसूस करके लगाया होता है। ऐसी ही भविष्यवाणी हमें भविष्य मालिका पुस्तक में देखने को मिलती है। जब कोई भविष्यवाणी 100% साबित नहीं होती है तो हम उसे गलत बता देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर वह हमें उसके बारे में थोड़ा सा संकेत भी दे जाए तो वह भविष्यवाणी सच मानी जानी चाहिए, क्योंकि समय के इतने बड़े अंतराल का अनुमान लगाना कोई छोटी बात नहीं होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कलयुग और कल के अवतार के बारे में वास्तव में भविष्य मालिका में क्या लिखा है, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पृथ्वी ब्रह्म पर। यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तथा वीडियो अच्छा लगे तो हमेशा की तरह इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। यह बात सत्य है कि जिन पुस्तकों में भविष्यवाणी लिखी हुई है वह केवल संकेत मात्र है, संपूर्ण रूप से उसका विवरण कहीं नहीं किया गया है। इसका विवरण हम अपने समय और मान्यताओं और गुणों के आधार पर करते हैं। यदि हम भविष्य मालिका ग्रंथ की बात करें तो हमें केवल कलयुग और कल के अवतार से संबंधित जानकारी ही नहीं मिलती, बल्कि इसमें भविष्य की हर एक छोटी से बड़ी परिवर्तन और घटना के संकेत हमें मिलते हैं, जिन्हें लोग अलग अलग नज़रिए से समझकर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। यदि हम कल के अवतार और कलयुग के अंत का उदाहरण लें तो भविष्य मालिका में केवल कल के अवतार का नाम व उनके जीवन कार्य के बारे में बताया गया है। इसके अलावा उनके माता पिता का नाम अथवा परिवार का नाम, जन्म स्थान, यह सब भी हमें उसमें देखने को मिलता है। और कलयुग के अंत की कुछ विशेष निशानियों के बारे में भी हमें भविष्य मालिका में बताया गया है, परंतु वह कैसे कब कौन सा कार्य करेंगे ये कहीं नहीं लिखा गया है, और ना ही उनकी जीवन अवधि के बारे में कोई जानकारी दी गई है। जो भी कुछ जानकारी हमें मिलती है वह केवल चिन्हों के रूप में हमें दिखाई देती है। जैसे भविष्य मालिका में लिखा गया है कि कल के अवतार सफ़ेद घोड़े पर आएंगे और उनके हाथ में दिव्य तलवार होगी। परंतु दोस्तों, आप और हम सभी जानते हैं कि युग घोड़े और तलवारों का नहीं है। इस भविष्यवाणी में जो भी लिखा गया है वह उस समय के हालातों और गुणों के आधार पर की गई कल्पना है, बेशक यह सत्य साबित होगी क्योंकि यह सब विशेष व्यक्तियों द्वारा लिखा गया है, परंतु यह आज के हालातों और परिस्थितियों के अनुसार ही घटित होगा। इतना हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्वयं परम शक्ति होकर कोई क्यों घोड़े और तलवार से युद्ध करना चाहेगा। हम यह नहीं कह रहे कि वहाँ गलत लिखा है, परंतु वह आज के समय के हिसाब से मान्य नहीं है। दोस्तों, भविष्य मालिका एक अद्वितीय ग्रंथ है जो हमारे भविष्य के बारे में हमें एक विशेष अंदाज़ा देता है, जिसके अनुसार हम होने वाली घटना की अतीत में ही तैयारी कर सकते हैं या उसके प्रति अपने आप को सजग बना सकते हैं। इन्हीं घटनाओं को हमने अनेकों वीडियो में बताया है, जिन्हें आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यह सब देखने के बाद यह तो स्पष्ट हो गया है कि भविष्य मालिका में वास्तव में क्या लिखा है। यदि इसके प्रति आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिएगा, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिल की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।